राजस्थान बीजेपी में खेमेबंदी को लेकर मच रहे बवाल में अब नया मोड़ आ गया है। टीम वसुंधरा के बाद अब सोशल मीडिया में टीम सतीश पुनिया का पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इन पत्रों के बाद बीजेपी अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसके बाद यही कहा जा रहा है कि नेताओं में रार, पार्टी में आई दरार, तो किससे हुए नाराजगी और पार्टी में कैसे मची खलबली, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से भले ही वसुंधरा राजे खामोश बैठी हैं, लेकिन अंदर खाने गुटबाजी इस कदर चल रही है कि बीजेपी दो धड़ों में बट चुकी है। एक तरफ वसुंधरा को तवज्जो दिए जाने की मांग है, तो दूसरी तरफ और नेताओं को सम्मान दिए जाने की आवाज़ है। इस दरार की वजह से बीजेपी में ही अलग अलग मोर्चे बनते दिख रहे हैं। टीम वसुंधरा के बाद अब सोशल मीडिया में टीम सतीश पूनिया का पत्र भी वायरल हो रहा है। इस वायरल पत्र में जुगल किशोर शर्मा को इस मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बताया गया है। वायरल पत्र में प्रदेश प्रभारी, सचिव, मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष के पदों की नियुक्तियां भी दर्शाई गई हैं। नियुक्ति पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की फोटो लगी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे सोशल मीडिया की शरारत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मामले की जांच कराने के साथ ही कानूनी राय लेने की बात भी कही है। दूसरी तरफ बीजेपी में मचे इस बवाल पर अब कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस पार्टी में बंटवारे तक की नौबत आ गई है। अब जब मौका मिला है तो भला कांग्रेस बीजेपी को घेरने से कैसे पीछे हट सकती है। वैसे कांग्रेस के हाथ ये मौका तब से लगा है जब से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने जिलेवार कार्यकारिणी घोषित करके उन्हें 2023 में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के बाद अब बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।